मुदाफिउल इस्लाम ऑफिशियल। और एक हदीस पाक में तो बयान किया गया कि दो गुना ऐसे हैं कि जब तक दुनिया में सजा न मिल जाए तब तक आदमी को मौत नहीं आती। दलील दलील यह हदीस पाक। وعن ابي بكره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب احرى ان يعجل بصاحبه العقوبه مع ما يؤخر له في الاخره من بغي او قطيعه رحم قال وكيع ان يعجل الله وقال يزيد يعجل الله مع ما وقال مع ما يؤخر ما ما يدخر له في الاخره رواه الطيالسي في مسند हजरत इमाम तयालिसी रहमतुल्लाह अपनी मुसनद तयालिसी के अंदर ये रिवायत हजरत अबू बकरा से लाए। हजरत अबू बकरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने भी गुनाह हैं हो सकता है उन गुनाहों की सजा दुनिया में न दी जाए, आखिरत में पूरी की पूरी दी जाए, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं, दो गुनाह ऐसे हैं कि जब तक दुनिया ही में उसकी सजा ना अल्लाह तबारक व तआला उसको दे दे, ताजील ना कर दे, जल्दी से सजा ना दे दे दुनिया के अंदर, तब तक उसे मौत नहीं आती। एक तो मिन बगीन जुल्म और दूसरे कतीयत रहम रिश्तेदारी को काटना। कितने लोग हैं जिन्होंने रिश्तेदारों को काट रखा है, भाई भाई का दुश्मन है, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन है, कतीयत रहम रिश्तेदारी को काटने वाला, जब तक दुनिया में सजा ना मिल जाए उसे मौत नहीं आती। और दूसरे बगीन जुल्म अल्लाह। तो जब हदीस पाक में मौजूद है कि जब तक दुनिया में सजा ना मिल जाए मौत नहीं आने वाली है, आदमी को खबरदार हो जाना चाहिए कि कहीं मुझसे ऐसी कोई चीज सरजद तो नहीं हो रही जिसका ताल्लुक जुल्म से।